नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आभा। पेश है राजस्थान की अब तक की टॉप न्यूज। पिछले एक महीने से जारी लॉकडाउन के बीच लाखों दुकानदारों और आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने शनिवार से सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। इसमें जरूरी और गैर जरूरी सामान की दुकानें शामिल है। इन दुकानों में काम करने वालों को लॉकडाउन के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, लेकिन शॉपिंग मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। आदेश में ये भी स्पष्ट किया गया है कि इन दुकानों में 50% कर्मचारी ही काम करेंगे। उन्हें शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए मास्क पहनना होगा और लॉकडाउन की शर्तों का पालन करना होगा। इस तरह से 24 मार्च से बंद गली मोहल्लों की दुकानें सरकार के इस फैसले से खुल जाएंगी और जिससे लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मंत्रालय ने भी साफ कर दिया है कि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। लॉकडाउन का एक महीना पूरा होने पर केंद्र सरकार ने शुक्रवार देर रात छूट का दायरा बढ़ाया है। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक हॉटस्पॉट के बाहर सभी दुकानें खुलेंगी, लेकिन मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुल सकेंगे। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन का प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार अध्ययन कर रही है। राज्य सरकार ने इस पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया है, लिहाजा राजस्थान में कोरोना के हॉटस्पॉट बने राजधानी जयपुर में भी अभी व्यवस्थाओं में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। सीएम के स्तर पर इसका फैसला होने के बाद ही जयपुर जिला प्रशासन इस मामले में कदम आगे बढ़ाएगा। वहीं जयपुर जिला कलेक्टर जोगाराम का कहना है कि केंद्र की नई गाइडलाइन को लागू करने का फैसला मुख्यमंत्री स्तर पर ही होगा। सरकार से बातचीत करने के बाद ही केंद्र की गाइडलाइन के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। कोटा शहर में कोरोना के आड़ में झोला छाप डॉक्टर मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चिकित्सा विभाग और औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने शुक्रवार को किशोरपुरा थाना क्षेत्र के आदर्श नगर बंजारा कॉलोनी साजी देहड़ा स्थित झोला छाप डॉक्टर की क्लिनिक पर छापा मारा तो मामला उजागर हुआ। टीम ने क्लिनिक को सील कर दिया। ड्रग टीम के सदस्यों ने बताया कि झोला छाप मोहम्मद यूसुफ अंसारी लॉकडाउन में भी शटर बंद कर घर के अंदर से क्लिनिक चलाकर मरीजों का इलाज कर रहा था। लॉकडाउन के कारण बहुत कुछ बदलता नजर आने लगा है। पहले की तरह गांवों से दूध संकलन से लेकर वितरण सब प्रभावित हो चुका है, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि गांवों में दूर दराज रहने वाले परिवार पहले जिन दूधियों को दूध देते थे उनके जरिए खरीद बंद हो गई है, जिसके कारण घर में दूध से छाछ घी अधिक बनने लगे हैं। जिसका असर ये है कि दूध से बनने वाले छाछ सहित अन्य उत्पाद परिवार के सदस्यों की तरह पशुओं के भी हिस्से आने लगे हैं। जिन पशुपालकों के पास दूध अधिक है उनको छाछ पशुओं को पिलानी पड़ रही है। संपन्न किसान अपने छोटे पशुओं को पहले से अधिक दूध पिलाने लगे हैं। जयपुर के एसएमएस में चिकित्सा कर्मियों में बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए कई विभागों की ओपीडी में बदलाव किया गया है। आदेशों के अनुसार सामान्य बीमारियों की ओपीडी सेवाओं के लिए कांवटिया, सेठी कॉलोनी और बनी पार्क अस्पताल में स्थानांतरित की गई है, जिनमें कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑप्थाल्मोलॉजी, त्वचा रोग और ईएनटी विभाग शामिल है। वहीं एंडोक्राइनोलॉजी विभाग की ओपीडी सेवाएं कांवटिया अस्पताल में उपलब्ध रहेंगी। राजस्थान में कोरोना संक्रमण वायरस के 25 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में इस घातक वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या शनिवार सुबह बढ़कर 2059 हो गई। राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य रोहित कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार सुबह 9 बजे तक राज्य में 25 नए मामले सामने आए, जिनमें अजमेर में 8, झालावाड़ और जोधपुर में 5-5, कोटा में 4, धौलपुर में 2 और डूंगरपुर में एक नया मामला शामिल है। बीकानेर नगर का 533वां स्थापना दिवस आज शनिवार को मनाया जाएगा। स्थापना के 532 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब शहरवासी अपने घरों में ही नगर स्थापना दिवस मनाएंगे। कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे के कारण चल रहे लॉकडाउन और कुछ स्थानों पर कर्फ्यू को देखते हुए इस बार नगर स्थापना दिवस पर किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। पतंग मांझे से कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना को देखते हुए इस बार चंदा उड़ाने और पतंगबाजी पर भी रोक लगाई गई है। स्थापना दिवस पर पहली बार ऐसा होगा जब शहर के आकाश में सतरंगी पतंगों की अटखेलियों पर रोक रहेगी और छतों पर वो ही काटा है फिर उड़ा के सामूहिक स्वर नहीं गूंजेंगे। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने एसबीटी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस ज़रूर करें ताकि हर नई अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें।